हाँ भाई बताओ, फोन चाहिए? अच्छा चलो ठीक है। क्या डिस्प्ले तुम्हें बड़ी चाहिए? अच्छा अबे सिरके हुए, उसको बड़ी डिस्प्ले नहीं बोलते, उसे टैबलेट बोलते हैं। खाने वाले नहीं, वो इतना बड़ा सा होता है टैबलेट, मोबाइल से उसकी डिस्प्ले बड़ी होती है। अच्छा वो चाहिए तुम्हें? प्राइस कितनी है? 15,000 के अराउंड। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दे रहा, तो देख लेना और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वरना यहीं से आ जाऊंगा मैं। ठीक है, और लाइट 200 लेके आ गया हूँ, और भी ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो। अगर कह सकते हो आपकी कहानी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह है, 15,000 का बजट है, आपको सबसे अच्छे सबसे बेस्ट धारगढ़ पावरफुल टैबलेट परचेज करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले, सब कुछ बताने से पहले, आप कर दो सब्सक्राइब और हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। दोस्तों टोटल मैंने 5 पावरफुल एकदम बजट रेंज में टैबलेट सेलेक्ट किए हैं, जिसकी प्रेजेंस कह सकते हो आपको ब्लो 15,000 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। हमेशा की तरह बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, इस बार हमने बेसिक क्राइटेरिया बनाया है। एटलीस्ट सारे टैबलेट में मीडियाटेक का प्रोसेसर तो होना चाहिए, अगर यूनिसिक का है तो भी चलेगा, एटलीस्ट सारे टैबलेट में 3+ 32 GB की रैम रोम तो होने चाहिए उस सारे टैबलेट में, 8 इंच की HD+ की डिस्प्ले तो होना चाहिए, जो अक्सर कह सकते हो इस प्राइस में आपको देखने को मिलती हो सारे टैबलेट में। वाईफाई वाला कह सकते हो वेरिएंट तो होना चाहिए, अगर 4G वाला वेरिएंट है फिर तो मज़ा ही आ जाएगा उस सारे टैबलेट में। एटलीस्ट 5000 mAh की बैटरी तो होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा है फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5th नंबर को लेके। दोस्तों जो हमारे 5th नंबर पर टैबलेट आता है, जो आता है लावा की तरफ से, जिसमें आपको मीडियाटेक का आपको प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, बट उन्होंने बताया नहीं है कौन सा प्रोसेसर है, नहीं बता दो। साथ में आपको 3+ 32 GB की आपको रैम रोम आपको देखने को मिलती है, 8 इंच की HD+ IPS की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको वाईफाई वाला वेरिएंट के साथ आपको 4G वाला वेरिएंट भी आपको देखने को मिलता है, जो मेरे को लग रहा है काफ़ी अच्छी बात है। 5000 mAh की आपको बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप एक लावा के फैन हो तो आप इस टैबलेट को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। बात करते हैं 4th नंबर पर आने वाला हमारा टैबलेट के बारे में, जो आता है मोटो भैया की तरफ से, मोटोरोला जैब G20। तो उसे कह सकते हो उस टैबलेट की प्राइस, लावा की टैबलेट की प्राइस से कह सकते हो 10 से 10,500 के अराउंड है, जिसमें आपको मीडियाटेक P22T का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, बट कह सकते हो यहाँ आपको सिर्फ वाईफाई वाला वेरिएंट है, 4G वाला वेरिएंट नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखना। साथ में आपको 3+ 32 GB की आपको रैम रोम आपको देखने को मिलती है, 8.0 इंच की आपको HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है, 60Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, साथ में आपको डॉल्बी एटमोस भी आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं 3rd नंबर पे आने वाला हमारा टैबलेट के बारे में, जो आता है नोकिया की तरफ से, नोकिया T20 Lite, जिसमें आपको यूनिसेक का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 4+ 64 GB की आपको रैम रोम आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको 10.4 इंच की आपको 2K की HD+ की आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। साथ में आपको 8100 mAh की आपको बैटरी आपको देखने को मिलती है। नोकिया का क्लेम है आपको 3 साल तक आपको सिक्योरिटी प्लस OS अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। फाइनली बात करते हैं 2nd नंबर पे आने वाला हमारा टैबलेट के बारे में, जो कह सकते हो उस ब्रांड को काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं, जो आता है सैमसंग की तरफ से, सैमसंग गैलेक्सी टैब A7 Lite, जिसमें आपको मीडियाटेक हेलो P22T का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, 3+ 32 GB की आपको रैम रोम आपको देखने को मिलती है, 8.7 इंच की HD+ TFT की आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, 5100 mAh की आपको बैटरी आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप एक सैमसंग के फैन हो तो आप इस टैबलेट को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। फाइनली बात करते हैं 1st नंबर पे आने वाला हमारा टैबलेट के बारे में, जो मेरे को लग रहा है ये टैबलेट 15,000 की रेंज में एक सुपर डुपर किलर वैल्यू फॉर मनी है, जो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी पैड। दोस्तों सबसे पहले कहते हैं तो उस टैबलेट में आपको मीडियाटेक हेलो G80 का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, जिससे कह सकते हो इस टैबलेट को आप गेमिंग के लिए 100% आप यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको 3+ 32 GB की आपको रैम रोम आपको देखने को मिलती है, 10.4 इंच की, कह सकते हो इस प्राइस रेंज में काफ़ी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है, जो WVXGA के साथ आती है, जो Flex+ रेजोल्यूशन के साथ आती है। साथ में आपको Wi-Fi+ 4G वाला वेरियंट आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको कॉड स्पीकर आपको देखने को मिलते हैं, डॉल्बी एटमोस के साथ आते हैं। अगर आप एक रियलमी के फैन हो मेरी तरह, फ़ोन नहीं दे रहा मैं बता रहा, मैं रियलमी का फ़ैन हूँ, तो आप इस टैबलेट को जरूर से चेकआउट भी कर सकते हो। दोस्तों यही थे टॉप 5 बेस्ट पावरफुल टैबलेट, जो मेरे को 15,000 के राउंड काफ़ी ज़्यादा पसंद हो, कहते हो ये सारे टैबलेट मैं आपको 15,000 की प्राइस में आपको हाईली रिकमेंड कर सकता हूँ। अगर दोस्तों उन टैबलेट्स के बारे में और भी जानकारी लेना चाहते हो या परचेस करना चाहते हो, तो सारे
टैबलेट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप चेकआउट भी कर सकते हो, परचेज भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारे वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो, नॉलेज बढ़ी हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना हो, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसी ही क्वालिटी टेक वीडियोस लेके आते रहते हैं। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद एंड वंदे मातरम।